मम्मी हम पैसा पाए तो तो के ले चलो दवाई करबो मम्मी। रोज दवा आता था दवा बाबू हम रोज दवाई खाइला। अब घर में कोई सहारा कौन कोई सहारा ना कोई सहारा ना। जो एक लड़की थी जो आपको बेटा तमाम हो एक आपका जो साया थी आपके जो एक लाठी थी आपका सहारा थी वो भगवान को प्यारा हो गई इस दुनिया से जो है वो चली गई और उसको जो है जाने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है बेटा तमाम आप खोई है। बाबू चल गए छोड़ के हमके वो भैया। हेलो नमस्कार दोस्तों, प्यार से भरी नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं वीडियो बना रहे किस वजह से, तो दोस्तों एक ममता चौहान डेट कर दिए इसी वजह से आज दुखी की बात है। सभी यूट्यूबर छोटे से बड़े लेकर सबका दुखी की बात है कि आज इस दुनिया में नहीं रही चले गई। तो दोस्तों हर एक वो बहुत अच्छी कलाकार था, आज सबसे दुखी की बात है। तो दोस्तों आप लोग छोटा सा तो क्लिप देख लिए, तो दोस्तों आप लोग के पूरा क्लिप दिखाते हैं। एक मीडिया वाले गया गाँव घर उसका न्यूज़ बनाने के लिए, तो दोस्तों अब देखिए वो कैसे माने कि बात का आगे बढ़ा रहे। तो दोस्तों कोई मरने अजीदे का आया कोई जिंदे आने के लिए तो नहीं आया, सब तो एक दिन तो मरना जाना ही है। मगर ये मीडिया वाला जाके क्या क्या बोले आप लोग सुनिए, आप ये बात चर्चित कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहे और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि आप लोग ऐसा ही खबर मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहे। ये ममता चौहान का घर है और उनकी माँ है और उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये घटना हुई है आखिरकार कब का हुआ है और कैसे हुआ। क्या नाम पड़ेगा आपका? ये घटना कब का घटी है? 1:30 को कल का 1:30 बजे। कैसे अचानक कैसे? अरे बाबू 2 महीने अरे 4 महीना से उनका तबियत खराब रही है। वो खाली जान था बाबू, दवाई पर चलत रही है टहरिया दवाई पर। अब बाबू सिर अलग से इतना खाली खून का मैदान उनका होता जैसे पेट झरे वो तरह खून का पेट झरत अलग कहते नहीं के माई हम ठहरा तो हमें चक्कर आवे हम मर जाए मम्मी जी। अब ना हम दू बेर ले जाके भर्ती करिए केस हॉस्पिटल एगो हुए एक जन हुए सब बड़ियार हॉस्पिटल बा वहाँ दू बेर भर्ती कैनी ले जाके छरबेबो फुकबेबो कैनी बाबू कुल कर्म कैनी। आ बन 4 दिन पहले हम से 10 दिन का आई लगे कहते कि मम्मी अब हम अंतिम हमारे चलत है जी। अब ना तो हम कहीं कहीं अत हर घड़ी कहलू तू आँ कहे ना जीबू का भले तो के दवाई ना करत है दवाई कहते कि हमारे दवाई खात खा जी बहुत जाए गए मम्मी अब हम जी अब ना कह कैसन हमारे डेंगे होता अथी हो गए यही तरह कहती हो बाबू यही तरह चौकिया पर कह के हमारे बछिया लेटली या पता ना बछिया का कैसी परनवानी करी गई माई। ममता चौहान जो कई बार अपने परिवार को एक गरीबी हालत से जो है निजात के लिए प्रयास की, कहीं ना कहीं अपना जो है पढ़ाई करियर को देखते हुए अपना एक गरीबी को जो है झेलते हुए आज मुकाम हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। वो ममता चौहान जो है अपने परिवार का एक सपना था कि हम भी कुछ आगे बढ़ें। वो भोजपुरी जो है एक सिंगर के नाते जो है दिन रात मेहनत करती थी। उनकी माँ है, माँ के साथ भी कई बार जो है वीडियो में सामने आई थी और माँ के जो है साथ कुछ दिनों से घर पर थी, इससे पहले तो कहीं बाहर में थी। हाँ बाबू खाला बाहर गए। तो ममता चौहान अभी हाल ही में विष्णु राज के घर पे जो है उनके साथ आना जाना था। हाँ, लेकिन जाना कोई दिक्कत कब से हो गया ये बाबू? ये दिक्कत ना कहते कि 4 दिन पहले से ज्यादा इनके दिक्कत एकदम खनवा नवा छोड़ दिले खैती ना लिया कितनों जगह कि ये बनी उठा खाला तो हमके डांट ले कहते तुहर खल के लौकत हो हमके नीक ना कुछ लगत है खैकवा वैकवा तो बरियाई से परसों गई तो अंगुली तो मुँह में ढकेली तो गोल दी हली। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि ममता चौहान जो कई लोग ये सुने कि दुनिया में नहीं है तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि पिछले ही कुछ दिनों में ममता चौहान से कई लोग मिले और कई जो अपना एक वीडियो भी शूट की थी। इससे जो है ये साबित होता है कि ममता चौहान जो है अचानक इस दुनिया से चले जाना कहीं ना कहीं बहुत एक भोजपुरी में इनके जो है एक समाज को जो है एक झटका लगा है।